ईमानदार गाय और शेर की कहानी। पुण्यगिरी नाम के एक गांव में राम सिंह करके एक किसान रहता था। उसके पास बहुत सारे गाय थे, लेकिन उनमें से एक गाय थी जिसका नाम सीता थी। सीता एक बहुत ही सुशील और ईमानदार गाय थी। वह दिखने में भी सोने का रंग में बहुत सुंदर थी। उसकी एक बछड़ा भी थी जो बहुत छोटी थी। एक दिन राम सिंह सारे गाय को लेकर चराने के लिए जंगल चला जाता है, लेकिन थोड़े देर के बाद सीता झुंड से अलग हो जाती है। हे भगवान, मैं किधर पहुंच गई? अब मैं क्या करूं? ऐसा वह फिर से वापस जा रहा ही होता है, तभी उसको एक भूखा शेर देख लेता है और उसकी पीछा करके उसके सामने कूद पड़ता है। रुको, वाह वाह, कितना तंदुरुस्त गाय है तू। तुम्हें खाऊंगा तो एक हफ्ते तक मुझे कुछ खाने की जरूरत नहीं है। सीता डरते डरते शेर को देखकर वहीं खड़ी हो जाती है और कांपती रहती है। महाराज रुकिए, एक बार मेरी बात तो सुनिए, मेरी एक विनती सुनिए। मुझे पता है कि आज मैं आपके हाथों में मरने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी एक आखिरी इच्छा सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैं बहुत भूखा हूँ, आओ मेरी भूख मिटाने के लिए। महाराज मैं जरूर आपकी भूख मिटाऊंगी, लेकिन पहले मेरी बात तो सुनिए, मेरी आखिरी ख्वाहिश, उसके बाद आप जो चाहें मैं करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, बोलो क्या है। शेर महाराज, मेरी एक छोटा बेटा है, वह अभी नादान है, वह मेरी इंतजार कर रहा होता है। मैं एक आखिरी बार जाकर उसको पेट भरकर दूध पिलाकर खाना खिलाकर उसकी देखभाल किसी और गाय को सौंप कर मैं आ जाऊंगी, बस। क्या तुम मुझे पागल समझ रही हो? एक बार तुम इधर से गई तो वापस क्यों आएगी? मुझे उल्लू मत बनाओ, मैं इस जंगल का राजा हूँ, बेवकूफ नहीं। अरे नहीं महाराज, मेरी बात यकीन करो, मैं वादा करती हूँ कि मैं अपने बेटे को एक आखिरी बार खाना खिलाकर आ जाऊंगी। आपको भी तो बेटे बच्चे होंगे ना, मेरी बात मान लो। ठीक है, जल्दी आना। ऐसा सीता अपने बेटे के पास जाती है। अपने माँ को देखकर बछड़ा बहुत खुश हो जाता है, जल्दी ही उसके पास जाकर दूध पीने लगता है। तभी सीता ने पानी भरी आंखों से ऐसी बोली, बेटा तुम्हें हर वक्त ईमानदारी के साथ रहना होगा, सबका आदर करना होगा, दोस्तों के साथ अच्छी तरह खेलना और सबको प्यार से देखना। मुझे मालूम नहीं कि मैं फिर वापस आऊंगी कि नहीं। ऐसा बोलकर सीता जंगल की तरफ निकल पड़ी, लेकिन शेर को यकीन नहीं था कि सीता वापस आ जाएगी। शेर सीता की राह देखने लगता है, इतने में सीता वहां पर आती है। शेर सीता को देखकर चौंक जाता है। सीता की ईमानदारी को देखकर शेर ने ऐसा बोला, अरे सीता, मुझे यकीन नहीं था कि तुम वापस आओगे, तुम्हारी जान से भी ज्यादा तुम अपने वादा को निभाया है। इतना सच्चा दिलवाले को मैंने कभी नहीं देखा, इसीलिए मैं तुम्हें बख्श देता हूँ। जाओ, जाकर तुम्हारे बछड़े के साथ खुशी से रहना। ऐसा बोलते ही सीता दौड़कर वापस आ जाती है। उसकी माँ को देखकर बछड़ा बहुत खुश हो जाता है और खूब मस्ती किया। सीख, हमारी ईमानदारी ही हमारी जान बचाती है। गोपाल नाम का ग्वाला अपने पास हमेशा भैंस पाला करता था। उसके पास कई सालों से एक काले रंग की भैंस थी जो उसे बहुत प्रिय थी। उस भैंस का दूध बेच बेच कर उसके पास अब काफी पैसे जमा हो गए थे। सो एक दिन वो दूसरे गांव से एक सफेद रंग की गाय खरीद कर ले आया। यह देखकर काली भैंस चिढ़ गई। इतनी सुंदर गाय ले आया, अब तो मुझे पूछेगा भी नहीं, इतनी गोरी चिट्टी गाय, हे भगवान, कहीं खाना भी मिलेगा कि नहीं।
भैंस दिन प्रतिदिन गाय से चिढ़ती रही, जबकि गाय बहुत ही मिलनसार और प्यारी थी। गाँव के लोग यह जानकर कि गोपाल के पास गाय है, उसे रोज खाने के लिए कुछ देने के लिए आते और गाय की पूजा तक करते। यह सब देखकर अब भैंस से रहा नहीं गया। एक दिन उसने गाय से कहा, हाँ, कहाँ से आई हो? जब से आई हो पूरा गांव तुम्हारा दीवाना हो गया है, और ये गोपाल, ये तो मुझे भूल गया। ऐसी बात नहीं है बहन, मैं तो तुमसे बात करना चाहती हूँ, तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। भला और है कौन इस तबेले में? बस तुम और मैं। आओ हम दोस्ती कर लेते हैं, प्यार से रहते हैं। हाँ, दोस्ती? कैसी दोस्ती? सफेद और काले रंग में कोई दोस्ती नहीं हो सकती, हम बिल्कुल अलग हैं। लोग तुम्हें पूछते हैं और मुझे तो देखते भी नहीं। देखो मेरा रंग कितना काला है। ऐसी बात नहीं है, तुम मन की बहुत अच्छी हो, मैं जानती हूँ। तुम्हारा तन भी बहुत सुंदर है, मुझे भी काला रंग बहुत पसंद है। आओ दोस्ती करो मुझसे। गाय ने मनाने की बहुत कोशिश की, मगर भैंस उससे दोस्ती करने को तैयार ही नहीं थी। एक दिन एक काले रंग का नाग वहां घुस आया। गाय ने जोर जोर से शोर मचाकर भैंस को कहा, अरे बहन उठो, ध्यान से, तुम्हारे पैरों के पास एक बड़ा नाग है, उठो नींद से जागो। भैंस बड़े मजे से सो रही थी, लेकिन कुछ देर बाद उसकी आँख खुल गई। क्या हुआ, क्या हुआ? इतनी आवाजें सुनकर गोपाल भी बाहर भागा भागा आया। उसने सांप को वहाँ से भगा दिया। यह सब देखकर भैंस का मन गाय के लिए पसीज गया। उसने कहा, अरे सच में तुम गोरी हो और तुम्हारा मन भी उजला है। मैं ही इतनी खराब हूँ कि आज तक तुमसे दोस्ती तक नहीं करना चाहती थी। तुमने तो मेरी जान बचाई है, तुम बहुत प्यारी हो गैया। आज से मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुमने आज एक अच्छी दोस्त का उदाहरण दिया है। मैं भी अपनी दोस्ती निभाऊंगी हमेशा। और इस तरह गाय और भैंस में दोस्ती हो गई और गोपाल खुश हो गया। लोमड़ी और सात बकरियाँ। एक जंगल में सात बकरियाँ रहती थी, वो सातों हमेशा साथ रहती थी, एक साथ ही घूमती रहती, एक साथ खाना खाती। उन सातों बकरियों की दोस्ती की मिसाल पूरा जंगल देता था। एक दिन एक हाथी ने कहा, अरे बकरियों की टोली कहाँ चली? तुम सबको साथ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया हाथी भाई। और जब बकरियों को सोना होता तो पांच बकरियां सो जाती और दो पहरा दिया करती थी, ताकि कोई शिकारी जानवर उन्हें मार ना सके। एक दिन एक बकरी ने कहा, अरे सहेलियों, चलो चलो तुम सो जाओ, मैं पहरा देती हूँ। ठीक है, हम लोग सो जाते हैं। उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी। उसकी नजर इन बकरियों पर हमेशा रहती थी। अरे वाह, कितनी मोटी बकरियां हैं, अगर ये हाथ लग जाएं तो अपनी तो पार्टी बन जाएगी, मजा आ जाएगा। लोमड़ी हिम्मत करके बकरियों पर हमला करती है। सहेलियों आओ मिलकर लोमड़ी पर हमला करें, वरना ये हमें खा जाएगी। लेकिन साथ में बकरियां एक साथ लोमड़ी पर हमला कर देती हैं, इसी कारण वो वहां से भाग जाती है। अरे अरे बचाओ बचाओ, भागो भागो यहाँ से। लोमड़ी बकरियों से पिटकर दुम दबाकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन वो अभी भी बकरियों को मारने की योजना बनाती रहती है। इन बकरियों ने मुझसे पंगा लिया है, इन्हें मैं नहीं छोड़ूंगी। लोमड़ी छुप छुप कर उनका पीछा करती है। एक दिन बकरियों के बीच पेड़ की टहनी के हरे पत्ते खाने को लेकर कहां सुनी हो जाती है। अरे ये क्या कर रही हो, ये पत्ता मेरा है, तुम इसे क्यों छेड़ रही हो? ये मेरा है, ये मैंने तोड़ा है, मुझे हरे पत्ते पसंद है, ये मेरा है। तभी वहाँ बड़ी बकरी आ जाती है और उन्हें समझाती है कि आपस में लड़ना सही बात नहीं। लेकिन वो तीनों बकरियाँ झुंड से अलग होकर चलने लगती हैं। लोमड़ी को तो इसी बात की तलाश थी। कितने दिनों तक साथ रहती, देखा हो गया झगड़ा, आज लूंगी इनसे अपना बदला, एक एक कर इन तीनों को खा जाऊंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। आज तो मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है, चलो इनका शिकार करती हूँ, इनकी इस लड़ाई का फायदा उठाती हूँ। इस बात का फायदा उठाकर लोमड़ी उन पर हमला कर देती है।
तीनों बकरियां एक दूसरे से नाराज थीं, इसीलिए एक दूसरे की तरफ देखती भी नहीं और इसी बात का फायदा लोमड़ी उठाती है। एक एक करके वो तीनों बकरियों को खा जाती है और फिर बाकी बकरियां यह सब देखकर हैरान रह जाती हैं और समझ जाती हैं कि हमेशा एकता में ही बल होता है, लड़ झगड़ कर कोई फायदा नहीं, अपना नुकसान हो सकता है। एक जंगल में बिंबू नाम का हाथी रहता था। वह जंगल के राजा रुस्तम का बहुत अच्छा दोस्त था। बिंबू की खास सेवा के लिए राजा ने चिंटू नाम के सियार को कहा, चिंटू सियार, तुम मेरे दोस्त बिंबू का अच्छे से ख्याल रखना, उसे रोज खाना देना, उसकी मदद करना। चिंटू रोज बिंबू का खूब ख्याल रखता था। धीरे धीरे वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। दोनों खुशी खुशी खेलते थे। एक दिन उस जंगल में एक कुत्ता आया। उसकी चिंटू से मुलाकात हुई। अरे भाई, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? मैं खाना ढूंढते ढूंढते यहाँ गलती से पहुँच गया हूँ। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? नहीं नहीं, और तो कुछ नहीं, मगर ये जंगल अच्छा है, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? जरूर, लेकिन हमारे राजा से पूछना पड़ेगा, कुछ दिनों के लिए वो बाहर गए हुए हैं, तुम मेरे साथ रह सकते हो। चिंटू उस कुत्ते को जंगल की सैर कराता है, बिंबू से मिलाता है। कुत्ते और बिंबू की अच्छी दोस्ती हो जाती है। बिंबू कुत्ते के साथ खेलने लगता है, लेकिन चिंटू के साथ अब वो कम खेलता है। अरे, ये बिंबू अब मेरे साथ खेलता ही नहीं, जब से ये कुत्ता आया है तब से ये मुझे भूल ही गया है, मुझे कुछ करना होगा। चिंटू कुत्ते को अपने पास बुलाता है और कहता है, माफ करना दोस्त, लेकिन मैंने राजा से पूछा है, उन्होंने तुम्हें यहाँ रहने से मना कर दिया है। चिंटू ने कुत्ते से झूठ कहा, जिसे कुत्ते ने खुशी खुशी मान लिया और अपने जंगल वापस चला गया। चिंटू बिंबू के पास गया और कहने लगा, लो बिंबू, ये खा लो, मेरा दोस्त कुत्ता कहाँ है, उसे पहले आने दो, कुत्ता अपने जंगल में चला गया है, अब वो नहीं आएगा। बिंबू ये सुनकर बहुत उदास हुआ। उसने खाना नहीं खाया और वो उदास ही रहा। बहुत समझाने के बाद भी काफी दिनों तक वो भूखा ही रहा। चिंटू अपने दोस्त को ऐसे हालात में नहीं देख पाया। वो कुत्ते को वापस लेने के लिए गया। मुझे माफ करना दोस्त, मैंने तुमसे झूठ कहा था, बिंबू तुम्हें बहुत याद करता है, तुम बिंबू के इतने अच्छे दोस्त बन गए थे, मुझे तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। कुत्ता चिंटू के साथ जंगल वापस आ जाता है। राजा भी अब जंगल आ चुका था। उन्होंने कुत्ते को जंगल में रहने की इजाजत दे दी। सभी लोग प्यार से और खुशी खुशी रहने लगे।